बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हमने बड़ा इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट टेंस है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसे कहते हैं, अब इसको कुछ लोग प्रेजेंट नई ग्रामर प्रेजेंट सिंपल भी इसका नाम आ रहा है, लेकिन जो रवायती नाम इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके जरिए इसको समझना जो है वो ईजी होता है। चीज़ें मतलब आपको ज़्यादा समझ आ जाएंगी। इसकी आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस टाइम को शो करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या मौजूदा जमाने को शो करता है? अच्छा, जो मौजूदा जमाने को शो करता है तो क्या वाकई हम इसकी मिसाल देके ही साबित कर सकते हैं कि मौजूदा जमाना ही शो करता है? बहरहाल ये हमारा आज का टॉपिक है। आज हमने डिफाइन ये करना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, जो मैं समझता हूँ कि बुनियादी टेंस है और मैं इसको मदर ऑफ टेंसेस भी समझता हूँ, और जिसको ये टेंस आ जाए, मेरा ये मानना है कि उस बंदे को फिर जो है वो ग्रामर आ जाती है। दैट इज माय व्यू। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज हमारा उसका टाइम एरिया जानना कि उसका टाइम का डोमेन क्या है, ये आज हमने इस अच्छा इसमें हमने ये करना है कि आपका जो मौजूदा नॉलेज है, जो रवायती नॉलेज आपके पास है, हम उसका भी फायदा उठाएंगे। देखिए, हमने चीज़ों को माइनस नहीं करना आपके अंदर से, हमने चीज़ों को ऐड करना है। मतलब जो चीज़ें आपके अंदर पहले से मौजूद हैं, हमने उन्हीं चीज़ों को आगे या मतलब उनको प्रमोट करना है, ना कि हमने यहाँ आपको जनाब कंफ्यूज करना है और आपके पुराने नॉलेज को हमने नलीफाई नहीं करना है। अच्छा, ये आज हमारा टॉपिक है कि सेंस ऑफ टाइम इन द मदर ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस टेंस। अच्छा, यह एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बाय गॉड, मेरा एक्सपीरियंस है और मुझे इसकी आज तक वजह भी समझ में नहीं आई कि जिस बच्चे को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सही मालूम में आ जाए ना, उसको सारी ग्रामर आ जाती है। ये मैं कोई ब्लफ नहीं कर रहा, बाय गॉड 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और मैं समझता हूँ कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये मुझे भी नहीं पता। और एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो सेकंड लैंग्वेज लर्नर है ना, जो बंदा सोचता उर्दू में है, लिखना इंग्लिश में चाहता है, सेकंड लैंग्वेज लर्नर इसे कहते हैं हम लिंग्विस्टिक्स जबान में, तो उसके लिए जिसको जब उसको टेंस आ जाते हैं, जब उसको एक्शन वर्ब यूज करना आ जाता है ना, यकीन करो उसको वो लैंग्वेज में लिखना आ जाता है। अच्छा, उसमें उसका जहन खुल जाता है, फिर वो हाथ पांव मार लेता है। अदरवाइज क्या होता है, आपको पता ही है कि आपको कोई कहे ना आप 10 लाइनें लिख दें माई मदर पे, तो आप बैठ जाते हैं कि मैं कैसे पास से लिखूंगा। वजह कि आप थिंक उर्दू में करते हैं, सपोर्टिंग फिर या तो आपको ग्रामर आती हो, वहां से आप चीजों को उठाएं और उसको ट्रांसलेट कर लें, या फिर आपकी डायरेक्ट अप्रोच हो। लेकिन एक बात याद रखना, कुछ बच्चे बड़े अच्छे स्कूलों से पढ़ के आते हैं FSC के अंदर, उनकी ग्रामर बड़ी माठी होती है, कॉमन सेंस बड़ी अच्छी होती है, वोकैब बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनकी ग्रामर बड़ी वीक होती है। तो ग्रामर सीखे बगैर गुजारा नहीं है अगर आपने FSC में अच्छे नंबर लेने हैं। ये बात लिख ले बेटा। और वैसे भी ये जब ये लेक्चर मेरा सुने तो आपको पेंसिल कलम जरूर पास रखना चाहिए। अच्छा, तो बहरहाल हमारा आज टॉपिक है सेंस ऑफ टाइम इन द मदर ऑफ टेंसेस। मैं मदर इसलिए इसको कहता हूँ कि मैंने आज तक देखा है कि अगर 5 क्लास के बच्चे को भी ये टेंस सही आ गया ना, इसकी सेंस ऑफ टाइम, इसका फार्मूला, इसकी उर्दू में सेंस कन्वर्शन इसको आ गई है, तो वो अगले टेंस बड़े आराम से कर लेता है। ये मुझे भी नहीं पता क्या रूहानी वजह है इसके अंदर, लेकिन ये है बस ऐसे ही। तो भाई उर्दू में पहचान देखे, आपको बड़ी फेमस है उर्दू में पहचान, ये हमने छोड़ ही नहीं। जो आपको मौजूदा नॉलेज है ना, जो आप अभी तक पिछली क्लासेस से पढ़ के आए हैं, वो हमने आपका यूज करना है। ये सही बात है कि आम तौर पे इसकी उर्दू के फिक्र के आहर में ता है, ती है, या आता है, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि इसके बगैर ये इसका फिक्र होता ही कोई नहीं। इसके बहुत सारे फिक्र ऐसे होते हैं जिनके एंड पे ता है, ती है, नहीं होता। ये बात भी अब नेक्स्ट आगे अगले लेक्चर्स में जब ग्रामर ट्रांसलेशन पे आएंगे तो फिर वहां हम डिस्कस करेंगे, फिर आपको पैराग्राफ पे से मिसाल देंगे कि देखिए यहाँ पर भाई ता है नहीं लगा हुआ, लेकिन ये इसी टेंस का फिक्र है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है। तो इसलिए हमने आपके इस नॉलेज को यूज करना है। उर्दू में पहचान मतलब यूं कह लें कि जो मेजोरिटी ऑफ सेंटेंसेस हैं वो उनमें ता है, ती है यूज होता है। अच्छा, आज हमारा जो असल में टॉपिक है वो है सेंस ऑफ टाइम इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं जब भी तुलबा से पूछता हूँ ना
ये बताएं भाई प्रेजेंट इंडेफिनिटेंस किस टाइम को शो करता है, तो तुलबा यही कहते हैं कि सर ये मौजूदा वक्त को शो करता है। तो मौजूदा कौन सा वक्त, मैं कहा जाता हूँ, मैं तो अभी घर बैठा हूं, लेकिन इसी टेंस का फिक्र है, मैं कॉलेज जाता हूं कि मैं तो अभी घर बैठा हुआ ना, मैं कॉलेज तो नहीं जा रहा, ना ही मैं कोई प्रोसेस कर रहा हूं, मैं तो बड़े सुकून से बैठा हुआ हूं। तो ये मौजूदा जमाना तो नहीं बना ना फिर, मौजूदा उस सेंस में कि जिस तरह मौजूदा एक चीज को चाहते हैं कि उर्दू के लफ्ज बड़ा धोखा देते हैं, बंदे को सीखने नहीं देते इंग्लिश, जो उर्दू इंग्लिश को अंडरस्टैंडिंग जो पैदा कर रहे हैं, असल में ये टीचर का काम है कि जो उर्दू के लफ्ज है उनको इंग्लिश के साथ जोड़ना कैसे है, उनकी इंग्लिश में क्या मीनिंग है। उर्दू का लफ्ज तो ऐसे बंदे को परेशान कर देता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है इसको बेसिकली हमने इसमें टाइम जो है आज डिफाइन करके छोड़ना कि मैं कॉलेज जाता हूं, मैं घर बैठा हुआ हूं, लेकिन ये इसी टेंस का फिक्र है। फिर टाइम क्या हुआ, सारे बच्चे क्लास में कन्फ्यूज भी होते हैं, खामोश भी होते हैं, कई बड़ी दलीलें देते हैं, सर मैं कॉलेज जाता हूं तो मैं आपको देखता हूं, इस तरह की मिसालें देने शुरू कर देते हैं। लेकिन उन बेचारों को एक माइंड में बिठा दिया है ना कि भाई ता है तो यह आना है, टाइम मौजूदा होना है, वही टेंस यही होना है। तो खुदा के लिए ये बात को आज समझ ले, आप जहन खोलें, और ये वो वजह है यकीन करें जिस वजह से आपके टेंसेस सही नहीं होते। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता ना, इंसान की चीजें माइंड में बैठती नहीं है, वो बाईपास होती है, ऊपर ऊपर से होती है, हल्की हल्की याद रटे लगाए होते हैं, वो भूल जाती है। तो आज हमने ये बुरे के घर तक पहुंच के छोड़ना है कि पता करना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर फिर मैं कॉलेज जाता हूं, मैं घर ही बैठा हूं, तो फिर ये टेंस इसी का फिक्र है, फिर जमाना कौन सा है। अच्छा, असल में ये जो मामला है ना जमाने के एतबार से, ये यहां इसका मसला पड़ा हुआ है। अगर आप गौर करें तो जमाने के एतबार से जो है ना, ये यहां मसला है, ये है इनडेफिनिट के ऊपर मसला है, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है ये, चाहे इनडेफिनिट के ऊपर कभी आपने गौर नहीं किया। अच्छा, उर्दू में इसको मुतलिक कह देते हैं, उर्दू में इसको ना वैसे मुतलिक कह के, अच्छा आपने कभी पूछा नहीं, सर जी मुतलिक क्या होता है, फेल हाल मुतलिक क्या है, पता आपने फेल हाल मौजूदा वक्त ज़हन में रखा, बस अंदाजों से चीजें नहीं होती हैं डियर, हमें चीजों को वेरी मच सीखना पड़ेगा, क्लियर होना पड़ेगा। अच्छा तो नेक्स्ट, अच्छा आप यहां मसला इनडेफिनिट में कैसे है, इनडेफिनिट के मानी होते हैं जो डेफिनेट नहीं होता, इस लफ्ज का बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए डेफिनेट के मानी क्या होता है, नीचे लफ्ज लिखा है मैंने, ये लिखा हुआ है डेफिनेट, ये भी मैं इसको लिख ही डालता हूं, ये देखिए ये डेफिनेट लिखा हुआ है, ये डेफिनेट के मानी होते हैं श्योर, कंफर्म, पक्का। तो इनडेफिनिट उस कॉल्ड होता है कि जो बात पक्की ना हो, कंफर्म ना हो। मैं कॉलेज जाता हूं, अच्छा अब इसमें दो बातें कंफर्म नहीं है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप ये देखें जरा, दो बातें, टू थिंग्स आर इनडेफिनिट इन दिस टेंस, टू थिंग्स आर इनडेफिनिट। मैं कॉलेज जाता हूं, इसमें दो बातों का मुझे नहीं पता, एक तो टाइम का नहीं मैं शो कर रहा कि मैं किस वक्त जा रहा हूं, जा प्रेजेंट डोमेन के अंदर जा रहा हूं, मेजर डोमेन जो है एरिए की, टाइम की, वो प्रेजेंट ही है, लेकिन पता नहीं कि कितने बजे जा रहा हूं, लेकिन है मौजूदा टाइम पे, लेकिन श्योर नहीं है, कंफर्म नहीं है, एक बात। तो दूसरा एक्शन भी इसका इंडेफिनिट होता है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा मैं कहता हूं मैं कॉलेज जाता हूं, हो सकता है मैं ना जाता हूं, पॉसिबल है ना। अच्छा मैं कहता हूं कि मैं तो अपनी मां के रोजाना पांव दबाकर सोता हूं, हो सकता है मैं ऐसा ना करता हूं। मैं कहता हूं मैं तो रोजाना सुबह उठ के सेब खाता हूं, हो सकता है मैं ना खाता हूं, लेकिन टेंस तो इसी के फिक्र है ना भाई। इसमें दो बातें जो हैं वो इंडेफिनिट हैं, यानी कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है। इंडेफिनिट के माने होते हैं जो श्योर ना हो, जो कंफर्म ना हो, जो डेफिनेट ना हो, जो पक्का ना हो। इसमें टाइम होता प्रेजेंट में लेकिन कंफर्म नहीं होता। अच्छा एक्शन होता प्रेजेंट में, कंफर्म नहीं होता। अच्छा ये याद रखें, ये इसमें दो बातों को आपने बस नोट कर लेना है, जब इस टेंस से वास्ता पड़े, टाइम एंड एक्शन, बोथ आर अनडिफाइंड इनडेफिनिट। अच्छा इसीलिए देखे ना, इसका एक्शन भी इनडेफिनिट होता, आप जितने झूठ बोलते हैं ना वो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में बोलते हैं, क्यों, इसमें गुंजाइश होती है, इसमें बात सही भी हो सकती है, बात गलत भी हो सकती है, बात पक्की नहीं होती, कंफर्म नहीं होती,
आप इसमें सच भी बोल सकते हैं, आप इसमें झूठ भी बोल सकते हैं। आप कहते हैं मामा मैं रोजाना नमाज पढ़ता हूँ, हो सकता है सही बात हो लेकिन ये झूठ भी हो सकता है। इसलिए आप जब भी झूठ बोलते हैं ना तो इसका सहारा लेते हैं आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अच्छा फिर और मजे की बात है, जो इनडेफिनिट डोमेन के अंदर चीजें आती है ना, प्रेजेंट इनडेफिनिट डोमेन के अंदर अल्लाह ताला ने जो चीजें रखी हैं वो टाइम डोमेन बनती क्या है, उनमें आती है हैबिट्स, उसमें आते हैं रूटीन मैटर्स मेजर। अगर आप सोच के देख लें हमारी जितनी इनडेफिनिट बातें होती हैं वो तीन लेवल है उसके, जो मैं समझता हूँ एज ए लिंग्विस्ट के। एक तो उसमें हैबिट्स आती हैं, झूठ बोलना भी हैबिट है, सच बोलना भी हैबिट है, हैं? मैं कुरान पढ़ता हूँ रोजाना, मैं सच्ची बात पढ़ता हूँ, ठीक है, सच भी हैबिट है झूठ भी हैबिट है, तो ये बहुत वसी टेंस है। अच्छा रूटीन मैटर सारे इसमें आते हैं, आप इस टेंस को कोई फिक्रा बोले वो लाजमी ही आप रोजाना काम, जिस तरह मैं पानी पीता हूं तो मैं रोज पीता हूं, वो फुटबॉल खेलता है तो उसकी रूटीन है, वो हज पे जाता है वो अक्सर जाता है, मैं लाहौर जाता हूं फिक्रा ये शौकत है कि मैं अक्सर जाता हूं, हम इस ग्राउंड में खेलते हैं फिक्रा शो कर रहा है कि हम अक्सर यहां खेलते हैं। अच्छा एक चीज रहेगी नेचर, ये नेचर को भी शो करता है, जैसे देखें मक्खी काटती है, मेरे वालिद साहब बहुत गुस्सा करते हैं, नेचर भी है इसमें, ठीक है, डॉग काटता है। तो ये भाई आज हमने ये डिस्कस करना था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों कहते हैं, ये हमने आज मेरा हाल है हमने इसको फाइनल कर लिया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इसलिए इंडेफिनिट कहते हैं कि इसमें चीजें जो हैं वो कंफर्म नहीं होती, वो श्योर नहीं होती, और ये इसका टाइम भी श्योर नहीं होता और इसमें एक्शन भी श्योर नहीं होता। अच्छा इसके अलावा इसकी टाइम डोमेन ये भी है कि ये फ्यूचर के अंदर भी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो है ना फ्यूचर के अंदर जो शेड्यूल्ड चीजें होती हैं नियर फ्यूचर के अंदर कम यूज होता है, लेकिन ऐसा होता है अक्सर जर्नलिज्म के अंदर अखबारों में होता है आवर प्रेजिडेंट मीट्स अमेरिकन प्रेजिडेंट डे आफ्टर टुमारो, मतलब ये ऑन 20th January कोई भी डेट जो जो फिक्स नियर फ्यूचर में टाइम रख लेते हैं शेड्यूल्ड टाइम होता है उसके अंदर भी टेंस जाता है। फिर और देखें ना अगर आप टाइम पे जाए ना इसका जो भी एक्शन होता है आप अमली तौर पे देखें, मैं खाना खाता हूँ तो मैं तो अभी तो खाना नहीं खा रहा हूँ ना, सारे एक्शन इसके पास्ट में होते हैं। और भाई ये तो ग्रामेटिकल नेम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे, नाम तो इंसान ने रखने थे ना जमानों के, इंसान क्या करता है प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, लेकिन प्रेजेंट का मतलब हरगिज भी नहीं कि इसमें बिल्कुल एन हर चीज प्रेजेंट की मौजूदा वक्त भी होती है, ये बातें क्लियर कर ले माइंड में। और ये टेंस और टाइम के ऊपर इंसान अभी भी बड़ी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जो ग्रामर के ग्रामेरियंस हैं। तो बहरहाल एनीवे थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे, अस्सलाम वालेकुम, गुड नाइट।